दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थम नहीं रही हैं। एक तरफ जहां शीर्ष नेतृत्व सलाखों के पीछे है, तो वहीं अब उनके साथी भी हाथ छुड़ाने लगे हैं। सामने आया है कि पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी से भी इस्तीफा देते हुए पार्टी पर भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए हैं। राजकुमार आनंद ने कहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी की जो नीति है उससे वो सहमत नहीं है। क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के कुछ ऐसे ही गंभीर आरोप लगाते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने पार्टी और मंत्री पद से अलविदा कह दिया। राजकुमार आनंद अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते थे, लेकिन शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के एक दिन बाद राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी को लेकर हृदय परिवर्तन हो गया। पार्टी छोड़ते हुए राजकुमार आनंद ने क्या कहा, उनकी पूरी बात सुनिए। मैं राजकुमार आनंद, मैं दिल्ली सरकार में मंत्री हूं, मेरे पास 7 पोर्टफोलियो है, लेकिन आज मैं बहुत व्यथित हूं। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। चलिए अब आप ये भी समझिए कि राजकुमार आनंद का आम आदमी पार्टी छोड़ना क्यों केजरीवाल के लिए बड़ा झटका है। राजकुमार आनंद केजरीवाल सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे। सरकार में कुल 7 पोर्टफोलियो उनके पास थे। दिल्ली के पटेल नगर से आम आदमी पार्टी विधायक हैं। उन्होंने 61% वोट के साथ चुनाव जीता था। राजकुमार आनंद जाटव समुदाय से आते हैं। उनकी पत्नी वीणा आनंद भी विधायक रही हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल से पूछताछ से पहले ईडी ने राजकुमार आनंद के आवास पर भी छापा मारा था। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि राजकुमार आनंद ने डर की वजह से पार्टी छोड़ दी। यही है राजकुमार आनंद, जिनके 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। 23 घंटे तक ईडी का छापा पड़ा था। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है, राजकुमार आनंद भ्रष्ट है। सारे लोग कह रहे थे कि ये भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। कल उसको माला पहनाते हुए शामिल करते हैं कि नहीं, ये पूरी दुनिया देख लेगी, पूरा देश देख लेगा, फिर उसके बाद पार्टी विद द डिफरेंस वाली बात मत कहना। फिलहाल राजकुमार आनंद के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब बीजेपी नहीं खुद आम आदमी पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार के मुद्दे पर साथ छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।